और मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, माननीय मुख्य अतिथि जी से, कि आज ये लोग इंजीनियर साहब अपनी टीम के साथ पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं आपके सानिध्य में, तो इनको माला पहना के इनका कर रहे हैं। आप सब से अनुरोध करेंगे एक बार तालियां बजा करके इनका स्वागत करें। ये चकिया के रहने वाले हैं, सभी सम्मानित विधायक का स्वागत करना चाहते हैं। अच्छा, क्या कार्यक्रम है और क्या उद्देश्य कार्यक्रम? चंदौली जो आज हम आए हैं, ये जनादेश यात्रा लेकर आए हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 1 सितंबर से हमें उत्तर प्रदेश में जनादेश यात्रा निकालने का आदेश दिया था। अब विभिन्न जिलों को होते हुए आज चंदौली यात्रा पहुँची है। जनादेश यात्रा का मकसद है कि जनता के बीच में हमें जाना है और बताना है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम घोषणाएं करके जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और देश में बनाई, उन घोषणाओं को उन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया है। चाहे वो देश में 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश में 5 साल के अंदर उन्होंने कहा था 70 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे, नौकरियां ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और उन्होंने वादा किया था कि हम किसानों की आय 2 गुनी करने का काम करेंगे, लेकिन किसान का धान 1940 में न बिक के 1200 रुपये में बिचौलियों के हाथों में बिक रहा है। आज तो पूरी तरह किसान परेशान है, किसान को आज खाद नहीं मिल रही है, किसान महंगाई की मार से बेहाल है, किसान छुट्टा जानवरों से परेशान है, महंगाई की मार। अभी आपने देखा कि डीजल हो, पेट्रोल हो, रसोई गैस हो, सरसों का तेल हो, सब आसमान छू रहे हैं। तो इसलिए जनता बुरी तरह जो है परेशान है, और जनता के बीच में हम उन्हें याद दिला रहे हैं कि भाजपा ने ये कहा था और ये काम नहीं किया है। तो अब की बार सब लोग इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंक कर 22 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सरकार बनाए, ये जनादेश यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पीएम आज उद्घाटन कर रहे हैं, क्या? देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस का जो शिलान्यास किया था, जिसकी नींव रखी थी माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था, वो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था। उसका नाम बदल दिया गया, उन्होंने जमीनें अधिग्रहण की थी, उन्होंने एस्टीमेट बनवाया था, उन्होंने पैसा देने का काम किया था। ये अगर उद्घाटन हो रहा है तो इसका श्रेय आदरणीय अखिलेश यादव जी को मिलना चाहिए। ये लोग तो दूसरे काम में जो है केवल फीता काटते हैं, अपना नाम लिखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। आपने देखा मुगल सराय का नाम इन्होंने बदल दिया, पौराणिक नाम है जो है पुराने समय से इलाहाबाद का, उसका भी नाम बदल दिया, फैजाबाद का भी नाम बदल दिया। ये एक एक करके नाम बदल रहे हैं सबका जो है। अब मुझे तो लगता है जो इनके साथ है ओम प्रकाश राजभर जी चले आए नहीं, उनका भी नाम बदल देते ये लोग, ये सभी का नाम बदलेंगे। स्वतंत्र सिंह का बयान आया है कि भाजपा की रफ्तार से अखिलेश डर गए, बौखला गए। हाँ, स्वतंत्र देव सिंह उल्टा कह रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी की जो है रथ यात्रा की रफ्तार को देख करके भाजपा डर गई है, इसलिए पूर्वांचल में सारे नेता डेरा डाले बैठे हैं। 2022 में सपा की सरकार आ रही है, 100% सरकार आ रही है, ये चाहे जितना कर लें, जनता मन बना चुकी है। अब जनता इनको बेदखल करेगी और माननीय अखिलेश यादव जी को राजगद्दी सौंपने का काम करेगी।